सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आप हमारे वीडियो में जो ये पत्ते देख सकते हैं, देखिए पत्ते, इसका आज मैं आप लोगों को बेहतरीन इतना फायदा बताने वाला हूं दोस्तों, जिसे जानने के बाद बिल्कुल ही आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा जानकारी जो कि अभी तक आपको शायद कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे आसपास में पाए जाने वाले वनस्पति पौधे तथा आसपास में पाए जाने वाले जो झाड़ी होते हैं ना, जो भी जैसे भी चीज होती है हमारे आसपास में, कांटेदार जो भी पौधे होते हैं, ये सब किसी न किसी रूप में काम जरूर आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये सारे इनके औषधि गुणों की जानकारी हो, तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल में छोटे छोटे वीडियो बना करके, यानी कि 2 से 3 मिनट का वीडियो रहते हैं, हमारे आसपास में पाए जाने वाले हर तरह के वनस्पति पौधों के औषधि गुणों की जानकारी शेयर करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो में जो ये चीज देख सकते हैं ना चल रहे हैं दोस्तों, इसे जो है पुदीना के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो पुदीने का पत्ते होते हैं ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा रामबाण दवा है दांत दर्द ठीक करने के लिए, ठीक है। अब कैसा दांत दर्द ठीक करते हो भी मैं बता दूं, आप कोई भी कोलगेट देखना है, कोई भी टूथपेस्ट देखना है ना, जो कि मार्केट से बनकर के आती है, उसमें पुदीना की मात्रा जरूर होती है। और दांत दर्द ठीक करने वाले जो भी मार्केट में दवा आते हैं ना, उसमें पुदीना की मात्रा जरूर होती है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें हाई एंटीबायोटिक होती, साथ साथ दोस्तों कुछ ऐसे मतलब तत्व इसमें मौजूद होते हैं जो कि हमारे दांत के कीड़े को मारने का काम करते हैं, दांत के पारिया को दूर करने का काम करता है। प्रयोग किस तरह से करना है दांत दर्द में, ये ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो किसी भी बंदे का अगर दांत दर्द होता है तो करना क्या है, आपको इसके 5 से 10 पत्ते लेनी है, आधा गिलास पानी लेना, आधा गिलास पानी में इसके 5 से 10 पत्ते डाल देने, उसके साथ में 1 से 2 दाने आपको काली मिर्च का डाल देनी है, थोड़ी सी नमक डाल देनी है, और इसके पानी से आपको अपने दांत को कुल्ला करने से फायदा होता है कि दांत के पारिया में दर्द हो तो ठीक हो जाते हैं, दांत के जो कीड़े होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। दूसरा दोस्तों, पेट दर्द ठीक करने के लिए, हर तरह के पेट दर्द ठीक हो जाएंगे, चाहे वह गर्मी के कारण पेट दर्द हो रहे हो, चाहे वह कीड़े के कारण पेट दर्द हो रहे हो, तो इसके आपको जूस निकाल लेने, कम से कम आपको 1 कप इसके आपको जूस निकाल लेने, इसके जूस में आपको जो है दोस्तों चुटकी भर काली नमक मिला देनी और पीनी, किसी भी तरह के पेट दर्द हो रहे हो ठीक हो जाएंगे। तीसरा दोस्तों, मूत्र विकार में या रामबाण दवा, ठीक है। गर्मी में धूप में घूमने के कारण अगर आपके पेशाब में पीलापन आ रहे हैं, पेशाब करते समय दर्द होता है, तो आपको 1 कप इसका जूस पीना है दोस्तों, बिल्कुल आपके हर तरह के पेशाब के दर्द ठीक हो जाएंगे। पेशाब की यानी कि पीलेपन ज्यादा आते हैं पेशाब करने के दौरान, वो भी ठीक हो जाते हैं दोस्तों। इसके साथ ही अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम रहता है ना, ये तो एक छोटा सा साधारण सी बात है, सर्दी खांसी जुकाम होना कभी भी किसी को हो सकती है, ये कॉमन बात है, तो आपको क्या करें, ठीक है। अब जो नॉर्मल चाय पीते ना, तो नॉर्मल चाय के स्थान पे जो भी आप नॉर्मल चाय पी रहे हैं, उसके साथ में आपको जैसे आप चाय बनाते, तो उसके साथ में आपको कम से कम 5 से 7 इसके पत्ते डाल देनी है, और इसके पत्ते को डालने के बाद आपको पीनी है दोस्तों, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों, आपके सर्दी खांसी जुकाम फैलाने वाला जो फ्लू होता है ना, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जड़ से खत्म हो जाएंगे, आपके सर्दी खांसी ठीक हो जाएंगे। ये थी छोटी जानकारी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर किया, मैं सेकंड पार्ट में इसका बहुत सारा और भी फायदा बताने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।